आओ लौट चले गांवों की ओर, प्रकृति की ओर। गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों को हम प्रकृति के एक ऐसे अद्भुत कुदरती एक नज़ारे से रूबरू कराएंगे जिसमें जिसको आप देखकर लगेगा कि प्रकृति में हर जीव के लिए एक जीवन के लिए सार प्रदर्शित किया हुआ है। आज हम सावन की पहली बरसात के बाद जब ये एक लाल कलर का जो मकड़ी जैसा जो आप एक कीड़ा जो देख रहे हैं जिसे हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में लोग तीज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो ये आप देख रहे हैं इसे वीर बहुती एक खूबसूरती मखमली सा कीड़ा है जो बारिश के बाद राजस्थान के मारवाड़ राजस्थान के कई क्षेत्रों पर नजर आता है। इसे सावन की डोकरी, इंद्रवधु और बूढ़ी माई भी कहते हैं। समय के साथ हमारे जीवन में जो प्रकृति की दी हुई खूबसूरत चीज हैं वो अब लुप्त होती जा रही है, उनमें से एक वीर बहुती भी है। हाँ, इसे इंग्लिश में हम रेड वेलेट वाइट के नाम से भी जानते हैं। सावन जब आरंभ होता है तो पहले रिमझिम की जो बारिश है वो धरा पर गिरने के बाद धरती पर यह फूल की तरह बिखर जाने वाला यह कीड़ा हमें प्रदर्शित हमें दिखाई देता है। यह देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी लोगों तक साझा करने का प्रयास करें। जो रेड वेलेट माइट, जो वीर बहुती या फिर हम कहें कि कुदरती अद्भुत जो ये कीड़ा है जो मखमल के समान लाल कलर में हमें प्रदर्शित हो रहा है, ये लुप्त होने की कगार पे है। आओ लौट चले गांव की ओर, प्रकृति की ओर। रविवार विशेष कार्यक्रम और गांववाणी टीम का हमेशा प्रयास रहा है कि इस प्रकार की जो कुदरत की ऐसी अद्भुत जो चीज़ें हैं जो हमें हमारे आसपास नज़र आती हैं लेकिन आज वो विलुप्त होने के कगार पे हैं, आओ हम सब मिलकर इस प्रकृति के श्रृंगार को बचाने का हम कार्य करें। इस प्रकृति के श्रृंगार को, इस प्रकृति के जीव जंतुओं को हम अपने आसपास इनके संरक्षण के लिए प्रयास करें। इसी प्रकार का एक नया वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे अगले रविवार आपके साथ। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।